प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक बुलाई। मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आरंभ हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव ने बुलाई कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। कई बड़े सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने कई बड़े सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसी के साथ ही प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर छोटे विमानन का संचालन, पीएमई बस सेवा और प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित करने समेत कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई है और उस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिंचाई को हम सब ये मानते हैं कि ये वास्तविक विकास होता है, धरती से दौलत पैदा होने का मार्ग प्रशस्त होता है, उससे गरीबी बेरोजगारी दूर होती है। तो सिंचाई के क्षेत्र में कई योजनाओं की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल में दी गई है, जिसमें राजगढ़ जिले की मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना की लागत 4,666 करोड़ रुपए, जिससे 1,51,495 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। इसका जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, आज उसको स्वीकृति दी गई है। वहीं सीधी रीवा और मऊगंज जिला और सिंगरौली जिले में लगभग 1,20,000 हेक्टेयर पे सिंचाई का रकबा बढ़ सके, क्षेत्रफल बढ़ सके, इसके लिए 4,167 करोड़ रुपए की मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। एक बहुत बड़ी निर्णय आज हुआ है, जिसमें 663 गांवों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और वो 4 जिलों को कवर करेगी, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली। एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, सिवनी और बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना के नहरों के विस्तारीकरण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण प्रस्ताव की स्वीकृत हुई है 332 करोड़ रुपए और इसमें 11,450 हेक्टेयर अतिरिक्त एरिया में सिंचाई का लाभ सिवनी और बालाघाट जिले के किसानों को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के अंतर सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर निजी ऑपरेटर के सहयोग से प्रदेश के अंदर वायु सेवा का संचालन किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें डबल इंजन वाले छोटे विमानन का संचालन किया जाएगा और इसका रूट पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर किया जाएगा, जिसके बाद निजी ऑपरेटर को संचालन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना जो रीवा और सीधी को कवर करती है, इसमें बहुत ही नहर को भारत सरकार की मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क, जिसमें 60% केंद्र राशि देता है और 40% राज्य सरकार देता है, इसमें 1146 करोड़ रुपए की मतलब जो इरिगेशन की मूल योजना थी उसको परिवर्तित करके माइक्रो इरिगेशन में कन्वर्ट किया गया है। उसमें सिंचाई एक बड़े एरिया में सिंचाई इससे संभव हो सकेगी। कमांड एरिया बढ़ गया, जो पहले बहुती में 60,000 हेक्टेयर था वो बढ़ के 80,000 हेक्टेयर हो जाएगा, तो 20,000 हेक्टेयर इस कन्वर्जन के कारण अतिरिक्त सिंचाई संभव हो सकेगी। इसके साथ ही स्टार्टअप एंड इनक्यूबेशन के संबंध में किए जा रहे कार्यों का समावेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत करने हेतु मध्य प्रदेश कार्यनियम में संशोधन की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किए जाने हेतु आयोग का गठन होगा। आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आयोग का स्वरूप, इन सब चीज़ों के लिए आयोग के गठन की स्वीकृति मिली है, जिससे और ज़्यादा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण पूरे प्रदेश में सुनिश्चित हो सकेगा। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षक और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 6वें वेतनमान का लाभ देने एवं 53.74 करोड़ के अनुमानित व्यय का अनुमोदन किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक बुलाई।
मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक आरंभ हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।